मैनपुरी से डिंपल यादव की बड़ी जीत के बाद पूरे यादव फैमिली नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंची और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अखिलेश ने इस दौरान जी मीडिया से खास बातचीत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, एक बड़ी जीत है, 2 लाख का मार्जिन, नेताजी की मार्जिन 94,000 था, 2 लाख का, कैसे देख रहे हैं? मैं मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मैनपुरी की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक एक वोट जो उन्होंने दिया है वो नेताजी को याद करके दिया है। ये इतनी बड़ी जीत साबित करता है कि नेताजी ने जहाँ जिंदगी भर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया, लोगों के घर घर और लोगों से सीधा संपर्क नेताजी का रहा। कोई जुड़ाव एक दिन का नहीं था नेताजी का, कई वर्षों से दुख सुख में नेताजी लगातार जनता के बीच में रहे। उसी का परिणाम है कि जनता ने नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला है। खतौली और रामपुर को कैसे देख रहे हैं आप? खतौली की जनता को मैं बधाई देता हूं। हालांकि वहां भी शुरुआती दौर में लगा था कि ये आईडी के नाम पर, पहचान पत्र के नाम पर वोट नहीं डालने देंगे। प्रशासन की लगातार कोशिश थी कि चुनाव खतौली का गठबंधन हार जाए, लेकिन खतौली की जनता ने एक एक वोट डाला, गठबंधन को जिताया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। वहीं दुख इस बात का है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को जो करना चाहिए था वो नहीं किया, प्रशासन अपनी मनमर्जी करता रहा। जिस दिन मैं चुनावी जनसभा करने गया था, जनता को नहीं आने दिया था, और हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा चुनाव के दौरान भी, और समय समय पर वीडियो भी टैग किए जिन लोगों को वोट नहीं डालने दिया। इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए कि रामपुर में दोबारा चुनाव हो। आखिरी सवाल, शिवपाल जी आज विलय कर चुके हैं, क्या कुछ उनकी भूमिका रहेगी? मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके तमाम कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देता हूँ, और आने वाले समय में उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, वो काम करेंगे। नेताजी का जो आंदोलन था, समाजवादी आंदोलन को, उसको आगे बढ़ाएंगे। कह सकते हैं कि आज समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जो जीत है वो मैनपुरी में हासिल की है, और आज यही वजह है कि मैनपुरी में करीब 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन जो है वो डिंपल यादव का रहा है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, मैनपुरी।